हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ निविया के नेचुरली गुड डिओडोरेंट स्प्रे का रिव्यू। एंड ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये कोई न्यू लॉन्च प्रोडक्ट नहीं है, बट मैं इसको यूज़ कर रही थी अभी। एंड ये जो बॉटल है ये ऑलमोस्ट मेरी खाली हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें नीचे की साइड ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, इतना सा जो ये प्रोडक्ट बचा हुआ है। सो अभी समर्स है, समर्स के अकॉर्डिंग जो है डिओडोरेंट स्प्रे सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप ये वाला लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को वॉच कीजिए। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देख लेते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। निविया ने नेचुरली गुड रेंज लॉन्च की थी एंड उसको थोड़ा टाइम हो चुका है, तब मैंने इनका एक जो बॉडी लोशन है वो लिया था एंड उसका भी रिव्यू मैंने शेयर किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी एंड इसमें आपको डिओडोरेंट स्प्रे मिल जाती है नेचुरली गुड रेंज से, एंड आपको रोल ऑन्स मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ में शार जेल्स भी आपको मिल जाते हैं। ज़्यादा रेंज नहीं है बट स्किन के रेंज में आपको कुछ ये प्रोडक्ट्स इसमें रिसीव हो जाते हैं नेचुरली गुड रेंज से। सो अभी देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। सो फर्स्ट थिंग, इसकी जो पैकेजिंग है आपको इस तरीके से स्मॉल पैकेजिंग में रिसीव होती है, जो कि ग्लास पैकेजिंग है। ग्लास की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, बट हाँ ट्रैवल के लिए देखा जाए तो उतना ज़्यादा सही नहीं है ग्लास पैकेजिंग लेके जाना। बट अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं एंड हैवी काइंड ऑफ आप कुछ लगेज नहीं ले रहे हैं तो आप इसको बैग में भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइज़ बहुत स्मॉल है। ये देख सकते हो इतनी सी साइज़ में है। सो ये इसमें आपको मिल रहा है 75 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी, जिसकी प्राइस है 250 rupees MRP। मैंने जब इसको लिया था तो इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, ये 250 rupees में ही मैंने लिया था। एंड अभी आपको नायका पे आई थिंक 200 तक मिल जाएगा, 200 के अंदर नहीं बट हाँ 210 में आपको ऐसा मिल जाएगा प्राइस। तो इसमें टू रेंज लॉन्च हुए हैं। सो मैंने लिया है एलोवेरा रेंज, बायो एलोवेरा रेंज, एंड इसमें आपको मिल जाता है ग्रीन टी वेरियंट। सो दोनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। निविया के जो नेचुरली गुड रेंज है गाइस, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा यूज़ किए गए हैं एंड इनकी पैकेजिंग भी गाइस वो इको फ्रेंडली है। अगर आप देखें इनके जो प्लास्टिक बॉटल्स है नेचुरली गुड रेंज से, वो भी उसमें लेस प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो कि मैंने यूज़ किया है इसीलिए। एंड इसमें आपको डिओडोरेंट स्प्रे आपको ग्लास बॉटल में मिलता है। सो इस तरीके से है। सो इसमें आपको 95% जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं एंड इसमें आपको 5% जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उसमें एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ किया गया है, जो कि इसमें मेंशन किया गया है। सो इसकी जो पैकेजिंग है गाइस, ये इस तरीके से आपको ग्लास बॉटल में रिसीव होती है। कैप आपको खोलनी है एंड देन आपको यहाँ पे नोजल स्प्रे मिल जाता है। सो ये बहुत ही इवनली स्प्रे करता है। जब आप इसको स्प्रे करते हैं ना, इवनली आपके बॉडी पे ये स्प्रे होता है। आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे इसको स्प्रे करना है एंड आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। सो अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है गाइस, ये जैसे नेचुरली गुड रेंज है एंड एलोवेरा रेंज है, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ये आपको थोड़ी सी ग्रासी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस फील होती है, जैसे मुझे लगता है। हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी सी ग्रासी काइंड ऑफ, या घास होती है नीचे तो ग्रासी काइंड ऑफ स्मेल आती है, उस तरीके से आपको इसमें स्मेल मिलती है। बट इसमें एलोवेरा का यूज़ किया गया है एंड एलोवेरा का कोई फ्रेग्रेंस मुझे ऐसा फील नहीं होता है कभी भी, बट मुझे इसमें क्यूकम्बर की फ्रेग्रेंस आती है ग्रासी फ्रेग्रेंस के साथ, लास्ट में जो एक नोट होता है उसका। सो मुझे क्यूकम्बर प्लस ग्रासी फ्रेग्रेंस इस तरीके से लगती है। सो अगर देखा जाए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स नहीं अच्छी लगती है, आपको बिल्कुल डिओड्रेंट या आप परफ्यूम से दूर रहते हैं एंड आपको चाहिए लाइट, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस हो, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत माइल्ड है, बहुत लाइट है। एंड जब आप इसको स्प्रे करते हैं फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको स्प्रे किया था, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस एकदम से समझ में नहीं आई थी, क्योंकि बहुत ग्रासी काइंड ऑफ स्मेल मैंने पहली बार इस तरीके से फील की है एंड इसमें क्यूकम्बर जैसी फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा था कि इसकी फ्रेग्रेंस है कैसी। बट आप जब इसको यूज़ करने लग जाते हैं तो आप यूज़ टू हो जाते हो उससे एंड आपको वो फ्रेग्रेंस अच्छी लगने लग जाती है। तो मुझे भी एट द मोमेंट ये फ्रेग्रेंस अच्छी लगने लग गई थी, बट फर्स्ट टाइम आप जब इसको स्मेल करते हैं तो आपको थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, यार ये कैसी फ्रेग्रेंस, अलग है, माइल्ड है एंड बहुत ही नेचुरल आपको फील देती है जब भी आप इसको स्प्रे करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैंने पढ़े हैं, उसमें कहीं पे भी क्यूकम्बर का मेंशन नहीं है। सो मुझे नहीं पता क्यूकम्बर की स्मेल क्यों आ रही थी, बट आ रही थी जो भी है। सो कुछ ग्रासी काइंड ऑफ आपको फ्रेग्रेंस मिलती है, बट एट द मोमेंट आपको वो शायद तक अच्छी लग भी जाए, मुझे अच्छी लगी इसीलिए। सो इसमें ना कुछ
क्लेम्स किए गए हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग गाइस, ये जो डिओड्रेंट स्प्रे है ये आपको नेचुरल फ्रेश फील देता है, फ्रेश स्किन फील देता है। साथ ही साथ में इसमें मेंशन किया गया ये आपको 24 आवर्स तक प्रोटेक्शन देता है एंड आपके ओडर को कम करता है। लाइक जब भी समर्स होती है तो बॉडी ओडर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस टाइम में समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, तो इस तरीके से ये बता रहा है कि ये आपके बॉडी ओडर को कम करने में हेल्प करता है एंड ये 100% वेगन प्रोडक्ट है। इसी के साथ में इसमें मेंशन किया गया है कि ये आपके स्किन को इरिटेट नहीं करता है, जो कि मोस्टली डिओड्रेंट्स हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं। एकदम से हम स्प्रे करते हैं तो एकदम से स्किन पे आती है तो वो कभी कभी जलने लग जाता है उस पॉइंट पे। सो इसको जब आप स्प्रे करते हैं तो आपको वो जलन या वो इरिटेशन महसूस नहीं होती है। सो ये सारे क्लेम्स हैं एंड साथ ही साथ में इसकी जो पैकेजिंग है गाइस, उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ नहीं किया गया है, जो कि एक इको फ्रेंडली पैकेजिंग है। मैं आपको बता देती हूँ इसके जो भी क्लेम्स है वो एकदम सही है कि नहीं। फर्स्ट थिंग, ये वेगन प्रोडक्ट है जो कि सही है एंड साथ ही साथ में इसकी पैकेजिंग इको फ्रेंडली है एंड इसी के साथ में इसमें लिखा गया है ये आपको 24 आवर्स तक प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ से वो मुझे पता नहीं, लाइक बॉडी ओडर से, बट इसकी जो स्मेल है गाइस, लाइक जब आप भी इसको स्प्रे करते हैं ना, लास्ट ये 3 घंटे तक आपके लाइक वो रहता है एंड देन ये वैनिश हो जाता है, लाइक आपको फील नहीं होगी कुछ भी चीज़। सो मुझे नहीं पता ये 24 आवर्स तक क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैंने इसको लगभग ख़त्म कर लिया है एंड बहुत सारा लाइक आप खुद देख सकते हैं है ही नहीं अमाउंट इसमें, कुछ इतना सा ही है, पानी जैसा आपको दिख रहा होगा इतना सा ही प्रोडक्ट बचा हुआ है। सो मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है। सो ये लास्ट करता है ओनली 3 आवर्स तक, लाइक वो भी मैं आई थिंक ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन उससे कम में भी ये ख़त्म हो जाता है। लाइक कभी कभी ऐसा लगता है मुझे आई थिंक इसको फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फिर से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ सही है। सो 24 आवर्स से प्रोटेक्शन नहीं देता है गाइस एंड अगर आपकी बहुत स्वेटी स्किन है, लाइक मेरी उतनी ज़्यादा, लाइक मुझे इतना ज़्यादा बॉडी स्वेट आता नहीं है, लेकिन अगर आपको सच में आता है ना, तो गाइस ये आपको फिर से लाइक 1-1.5 घंटे में आपको फिर से इसको अप्लाई करना पड़ेगा एंड वो बहुत जल्दी वैनिश हो जाता है एंड आपको बॉडी ओडर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लाइक बहुत सारे गर्ल्स या बॉयज़ होती है जिनको बॉडी ओडर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है, तो ये तो मे बी आपको शायद काम ही ना आए क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत बहुत माइल्ड है। सो बॉडी ओडर को मे बी शायद उतना ज़्यादा कवर ना करे या कम ना करे, लेकिन अगर आपको कम आता है तो आप ट्राई कर सकते हो इस तरीके से, बट 24 आवर्स तक प्रोटेक्शन नहीं देता है, 3 आवर्स लाइक कम, 3 आवर्स ओनली। एंड सबसे मुझे इसमें एक और चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये है कि इसकी जो प्राइस है वो बहुत हाई है। सीरियसली इसमें आपको 75 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल रही है जो कि बहुत लेस अमाउंट है एंड इसमें आपको 250 रुपये पे करना है जो कि मैंने पे किया है। तो ट्राई ऑन के लिए आप ले सकते हो, अच्छा है एंड 3 घंटे में आपको फिर से रीअप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको लेस मिल रही है, बट अगर आप फिर भी इसको ट्राई करना चाहते तो आप जा सकते क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, आपको नेचुरल फील देता है, एक आपको बहुत ही अच्छा अरोमा मिलता है कि आपको ऐसा लगता है कि ग्रीन ग्रास आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो वो चीज़। सो ये चीज़ अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगी एंड मैं ये भी नहीं बोलूँगी प्रोडक्ट एकदम वेस्ट है, इतना भी नहीं, बट हाँ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बट अगर आपको बहुत बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो ये आपके शायद तक काम ना आए। सो ये चीज़ है। सो यार ये था गाइस मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके इसकी चेकआउट कर सकते हैं। इसका ग्रीन टी वेरिएंट भी है एंड इसमें एलोवेरा वेरिएंट भी है जो मैं ट्राई कर रही हूँ, सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। या वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड या शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।